हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मटर मशरूम की रेसिपी। इसे बनाना बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये मटर मशरूम। मशरूम के कई बेनिफिट्स भी हैं, फाइबर है, विटामिन है, काफ़ी न्यूट्रिशनल है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने 500 ग्राम मशरूम लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। जब हम बाज़ार से मशरूम लेकर आते हैं तो उसमें काफ़ी गंदगी लगी होती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशरूम के आउटर लेयर को छील लेंगे। तो चाहे तो आप इसे हाथों की मदद से या फिर इस तरह नाइफ से छील लें, और जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से इसका छिलका निकल आया है। कुछ लोग इसे बाज़ार से लाकर सिर्फ धोकर ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मशरूम के इस तरह से आउटर लेयर को छील लें जिससे इसकी सारी गंदगी निकल आती है। इसी तरह हम बाकी के मशरूम को भी छील लेंगे और उसके बाद आप इसे जिस शेप में या जिस साइज में काटना चाहते हैं उस शेप में काट लें। अब मटर मशरूम के लिए हम पेस्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर, 2 प्याज, 4 मैंने काजू लिया है, 1 इंच अदरक है और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं। अब इन सबको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें या फिर जब तक प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट ना लगने लगे। अब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। पेस्ट तैयार करने से पहले अगर आप इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तो आपकी सब्जी का कलर और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। पर इसका पेस्ट तैयार करते समय इसे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे और तेल जैसे ही गर्म होता है हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 से 3 हम यहाँ पे तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और इन सबको हम हल्का सा भून लेंगे। खड़े मसाले आप अपने चॉइस के अनुसार इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इन सबको हम फटाफट से मिक्स कर लेंगे, ये तो हमारे मसाले जल सकते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालते वक्त ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो हो। अब हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा है वो इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे, पर उससे पहले हम पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हम मसालों को जितना पकाएंगे उतना ही सब्जी का कलर और टेस्ट बढ़िया आएगा। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है इस तरह कटी हुई, इसे डाल देंगे। तो अब इसे हम लो फ्लेम पे ही कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 8 से 10 मिनट बाद एक बार हम इसे फिर से चम्मच चला लेंगे और अब डाल देंगे इसमें हम बाकी के मसाले। तो 2 चम्मच इसमें हम धनिया का पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें और इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे मटर डाल देते हैं। तो ये मैंने 1 कप हरा मटर लिया है, इसे हम डाल देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब मटर और मसालों को हम एक साथ भून लेंगे, तो इसे कवर करके लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। 2-3 मिनट बाद देखेंगे कि हमारे मटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारे मसाले भी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और हमारे कटे हुए मशरूम भी डाल देंगे। मशरूम की मैंने पतली पतली स्लाइस की है, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है। अब इस मशरूम को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे इस वक्त मशरूम के साथ ऐड करें। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी मटर मशरूम की सब्ज़ी बढ़िया से पक चुकी है। इसमें मैं 1/2 कप जितना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो इसमें पानी यूज़ ना करें। पानी डालने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसे मैंने कवर करके 1 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दिया है। तो इसे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसे और पका लिया है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच गर्म मसाले का पाउडर और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हरा धनिया। हमारी ये मटर मशरूम की टेस्टी सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये टेस्टी स्पाइसी मटर मशरूम की सब्जी बनकर रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और मेरी नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।